हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है वरुण। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल शॉर्टकट्स की। तो एक्सेल शॉर्टकट्स के ऊपर मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, डिटेल वीडियो। उसमें काफ़ी सारे शॉर्टकट्स बताए, बट ये दीज आर स्पेशल बिकॉज ये हम माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेड शॉर्टकट्स। इसकी हेल्प से आप अपने काम को बहुत ही स्पीडी वे में कर पाएंगे। सो आपका जो टाइम है वो डेफिनेटली बचने वाला है। और आप सबको मेरी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और उम्मीद करता हूँ कि ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा जाए, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आप अच्छी सक्सेस ले लाइफ में। सो शुरू करने से, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट रिकमेंडेड शॉर्टकट से, जो कि है स्टार्ट अ न्यू लाइन इन द सेल। इसका शॉर्टकट है ऑल्ट एंटर। सो लेट्स से आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, लेट्स से आपको इसको नेक्स्ट रो में लेके जाना है बट विद इन अ सेम सेल, तो आप कैसे कर सकते हैं, प्रेस ऑल्ट एंटर, देन यू कैन स्टार्ट एंड अगेन यू कैन मेंशन दी एज वट एवर इट इज। तो आप जितनी बार ये दबाएंगे, सी आप एक ही सेल के अंदर अलग अलग लाइंस के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट शॉर्टकट। सेकेंड शॉर्टकट है हमारा शो एंड हाइड सिंगल फॉर्मूला। सो लेट से हमने यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है, लेट्स से ए सेल में हमारे पास कुछ नंबर है, देन इधर कुछ नंबर है, देन हमारे पास ये लिखा हुआ है, राइट, कुछ एक फॉर्मूला लगा हुआ है, और लेट्स से दिस इनटू दिस, राइट, कुछ भी फॉर्मूला है हमारे पास। सो अगर मैं कोई फॉर्मूला को चेक करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ उस सेल पे जाऊँगा और प्रेस F2। F2 प्रेस करने से मेरे को फॉर्मूला दिख जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला जो है विजिबल है। सिमिलरली यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का दिख जाएगा E4 into F4, तो बेसिकली कौन सा फॉर्मूला मेंशन है। सो गाइस, हमारा थर्ड शॉर्टकट है शो एंड हाइड फॉर्मूला। सो आप कहेंगे अभी तो हमने चेक किया, बट दैट वाज ओनली फॉर सिंगल फॉर्मूला। आप उस पर्टिकुलर सेल पे जाएंगे, F2 प्रेस करेंगे, इस पे जाएंगे, एंड वेयर एज, सो ये है कंट्रोल प्लस ये अप्रोक्सीमेट के साइन बोलते हैं इसको, जो कि एस्केप के जस्ट नीचे होता है, ठीक है, 1 के लेफ्ट में भी बोल सकते हैं आप इसको। सो इसको प्रेस करने से, जैसे ही आप कंट्रोल एंड इसका फॉर्मूला प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं सारे फॉर्मूला जितने भी स्क्रीन पे होंगे वो पूरे फॉर्मुलेटेड शीट में आ जाएगा। देन इसको दोबारा हाइड करने के लिए, नॉर्मल स्क्रीन पे जाने के लिए, देन अगेन आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल एंड अप्रोक्सीमेट साइन। दिस इज वेरी सिंपल। हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है हाउ टू एंटर करंट टाइम। करंट टाइम डालने के लिए कैसे सिस्टम में कैसे टाइम डाल सकते हैं, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट कंट्रोल एंड देन सेमीकॉलन, जैसे आप प्रेस करेंगे आपके पास ये नंबर आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, एक्चुअली ये फॉर्मेट जो है टाइम फॉर्मेट नहीं है, आपको यहाँ पे टाइम फॉर्मेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। दिस, लेट्स से वी हैव सेलेक्टेड दिस वन, यहाँ पे टाइम आ गया 21:01, सो दैट मीन्स 9:01। अगर आप इसको AM PM फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके यहाँ पे अपना टाइम जो है फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। सी, हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है करंट डेट। करंट डेट कैसे ला सकते हैं, सिंपली प्रेस कंट्रोल एंड देन सेमीकॉलन। यू कैन सी 1st January 2021, सो इट्स न्यू ईयर टुडे। तो नेक्स्ट शॉर्टकट इज हाइड अ कॉलम। हाउ कैन यू हाइड अ कॉलम, सो कॉलम हाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रेस कंट्रोल एंड देन 0। यू कैन सी फुल 0, ये जो कॉलम होगा वही हाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट शॉर्टकट इज हाइड अ रो। रो को हाइड करने के लिए आपको कंट्रोल 9 प्रेस करना पड़ेगा। तो जो उनसे भी सेल में आपने सेलेक्टेड हो गए, उस पर्टिकुलर सेल, उस पर्टिकुलर रो को वो हाइड कर देगा। सो आवर नेक्स्ट शॉर्टकट इज इंसर्ट अ रो और कॉलम। सो आपको क्या प्रेस करना है, शिफ्ट कंट्रोल एंड देन प्लस का जो साइन है, प्लस और इक्वल टू का, उसको प्रेस करेंगे। सो यहाँ पे आपको दिखा देगा, आपके पास ऑप्शन आएगा अगेन, यू हैव टू शिफ्ट सेल्स राइट, सेल डाउन, एंटर रो और एंटर अ कॉलम। अगर आपको रो को एंटर करना है, यू विल सेलेक्ट एंटर रो and then enter. अगर आपको सेलेक्ट करना है कॉलम, देन यू विल सेलेक्ट कॉलम। सो लेट्स, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको,
दिस। और इसका दूसरा ऑप्शन ऑल्टरनेटिव क्या है कि आपको ये सिलेक्शन ना करनी पड़े, आप करने से पहले ही आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, देन शिफ्ट कंट्रोल एंड प्लस। अगर आपने कॉलम सेलेक्ट कर लिया, अगर आपने रो सेलेक्ट करेंगे तो ये शिफ्ट कंट्रोल रो को कर देगा। नेक्स्ट शॉर्टकट डिलीट अ कॉलम और रो। सो डिलीट अ कॉलम के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको कॉलम को सेलेक्ट करना है, देन कंट्रोल माइनस, फिर डिलीट हो जाएगी। अगर आपको रो डिलीट करनी है तो यू हैव टू सेलेक्ट अ रो फर्स्ट एंड कंट्रोल माइनस, तो आपकी जो रो है वो डिलीट हो जाएगी। और आप दूसरा ऑप्शन क्या है, सिंपली कंट्रोल माइनस भी कर सकते हैं, फिर आपको सिलेक्शन में सेलेक्ट करना पड़ेगा रो को डिलीट करना है या कॉलम को डिलीट करना है, पर्टिकुलर सेल को डिलीट करना है या पर्टिकुलर सेल अपर लेफ्ट को डिलीट करना है। सो ये सारे शॉर्टकट जो आज हमने सीखे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आप इसको पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसके पिक्चर ले सकते हैं, सो दैट आपको हेल्प करे नेक्स्ट टाइम। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।